तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि सर्किल ऐप हो गया, या फिर आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, या फिर और भी कोई एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी ऐसी जिनकी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। हो सकता है हमारे मोबाइल में ही इनबिल्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप कोशिश कर रहे हैं, या फिर डीयू रिकॉर्डर एक आता है जो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो आप उससे भी कोशिश करते होंगे लेकिन वो नहीं हो पाती है। लेकिन आज इस वीडियो में बताऊँगा कि आप आसानी से कोई भी एप्लीकेशन हो उसकी रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे टेक वर्ल्डवाइड चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, ये आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारा प्रोसेस मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसी एप्लीकेशन, यानी कि एक मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी जिसका नाम है सर्किल। सर्किल एप्लीकेशन में हमको बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल जाती है, लेकिन उस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है उसको हम अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। कुछ ऐसी दो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और कब इंस्टॉल करनी है, क्या करना है, क्या आपको सेटअप करना है, सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उसकी मदद से आप आसानी से कौन सी भी एप्लीकेशन हो, जो भी आप चाहते हो, उस एप्लीकेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो सर्कल ऐप डाउनलोडेड है ऑलरेडी मेरे प्ले स्टोर से। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपली मैं ओपन कर रहा हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऊपर आप एक डॉट देख सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, लेकिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं जब इसको कंप्लीट करूँगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से ब्लैंक। यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी साइन इन कर रहा हूँ, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अब आज इस चीज़ को हम फिक्स करेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है, डिसेबल फ्लैग सिक्योर, तो ये जो एप्लीकेशन भी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप सिंपली डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पे आपके सामने इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन, ये इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन हो रहा है, क्योंकि मेरे पास में MI का फ़ोन है। तो यहाँ पर हो गई है डाउनलोड, यानी सॉरी इंस्टॉल हो गई है। और उसके बाद में एक तेची करके एक एप्लीकेशन है, जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है। दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करना, क्योंकि अब चाइना पे विश्वास नहीं रहा है इतना, तो जब आपको ज़रूरत हो तभी करना। तो इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, दोनों इंस्टॉल हो चुकी है एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको दो नज़र नहीं आएंगी, जो डिसेबल फ्लैग सिक्योर है वो इनबिल्ड हो जाती है, इस एप्लीकेशन के साथ में मर्ज हो जाती है, ठीक है। तैची, तो जो तैची एप्लीकेशन है उसको मैं सिंपली यहाँ पर ओपन कर लूँगा। तो ओपन करने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ अपडेट के लिए पूछ रहा है, क्योंकि इसका कोई नया अपडेट आया होगा। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ सिंपली इसको। अपडेट करने के बाद में इसका जो लाइसेंस पॉलिसीज़ वगैरह होती है, टर्म कंडीशन, उसको एग्री कर लेना है आपको, बाकी किसी भी तरह की परमिशन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आ जाएगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, ये आपको इस तरीके का कोई निशान मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और क्रिएट ऐप कर देना है। तो यहाँ पर मैं जैसे क्रिएट ऐप करूँगा, आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, और जो वर्क नहीं कर रही, यानी कि जिसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली बात कर रहा हूँ सर्कल ऐप के, तो यहाँ पे सर्कल ऐप को मैं सर्च कर लेता हूँ कि कहाँ पे है वो। तो सर्कल एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे मिल चुकी है और उसको मैं टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद मैं उसको ओके करूँगा। तो यहाँ पे प्लीज़ वेट, यहाँ पे उसकी नई एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास में जो एप्लीकेशन ओरिजिनल है उसको हम अनइंस्टॉल करेंगे, और अनइंस्टॉल करने के बाद में नया इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली ओके कर लेता हूँ। अनइंस्टॉल एप्लीकेशन हो चुकी है हमारी, और यहाँ पे आपको वापस जो निशान दिख रहा है नीचे की तरफ आपको, तो वहाँ पे आपको वापस आपको ओपन कर लेना है ये वाला, ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं। और यहाँ पर मैनेज मॉड्यूल करके एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो सेकेंड नंबर पर है, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में ये जो डिसेबल फ्लैग सिक्योर है वो आपको यहाँ से टिक कर लेना है, यानी कि इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद में आपको वापस से बैक चले जाना है। बैक करने के बाद में यहाँ पे जो एप्लीकेशन है सर्कल वाली एप्लीकेशन, इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर परमिशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमको सिंपली ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में यहाँ पर कुछ वार्निंग दे रहा है हमारा फ़ोन, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही मैं बैक करूँगा और यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए पूछ लेगा मुझसे, तो यहाँ पे सर्कल ऐप इंस्टॉल हो रही है।
इंस्टॉल होने के बाद मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आसानी से कर पाऊँगा। तो ये जो मैं कर रहा हूँ प्रोसेस, वो पूरा लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे मोबाइल की स्क्रीन की, और सारा डेटा सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी मैंने सर्किल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, रिकॉर्डिंग ऊपर स्टार्ट है, आप देख सकते हो एक आइकन नज़र आ जाएगा और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कौन सी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपकी अगर उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद में आप ज़रूर से कर पाएंगे। साइन इन करने के बाद में आप देख सकते हैं सर्किल ऐप मेरी जो है वो चलना शुरू हो गई है, और यहाँ पर मैं कुछ भी चाहूँ तो वो रिकॉर्ड कर सकता हूँ ईज़िली। यानी कुछ मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना है, कुछ ऐसी न्यूज़ रिकॉर्ड करनी है, किसी भी तरह कोई भी चीज़ मुझे रिकॉर्ड करनी है, तो मैं बहुत ही आसानी से इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, और अगर आपके उसके बाद में भी कोई सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितनी भी हो सके, और आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।